गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित भारद्वाज है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बैंक पीओ का एक प्रीवियस पेपर जो कि प्री एग्जामिनेशन था। इसमें 35 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको साइलोजिज्म के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। साइलोजिज्म के फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सभी कॉल्स मेल हैं। देखिए, मैंने सी से कॉल्स को दिखाया और सभी कॉल्स मेल हो गए। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ मेल पोस्ट हैं, तो आप देखेंगे कुछ मेल पोस्ट इस तरीके से बनेंगे। कुछ मेल पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट पत्र हैं, हमें कुछ पोस्ट को पत्र बनाना है तो कुछ पोस्ट पत्र इस तरीके से बनाए जाएंगे। मैंने इसे पत्र लिख दिया है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। कुछ पोस्ट पत्र हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष में कहा गया है सभी पोस्ट के कॉल्स होने की संभावना है। सभी पोस्ट के कॉल्स होने की संभावना है। देखिए, जब भी हमसे संभावना पूछी जाती है तो हम एक मॉडिफाइड वेन डायग्राम बनाते हैं या एडवांस वेन डायग्राम बनाते हैं, पॉसिबल वेन डायग्राम बनाते हैं। यदि संभावना पूछी गई है कि सभी पोस्ट के कॉल्स होने की संभावना है, तो मैं इस वेन डायग्राम को इस तरीके से भी तो बना सकता हूं, सभी पोस्ट के कॉल्स हो गए और सभी कॉल्स मेल थे और उसके बाद इस तरीके से भी ये वेन डायग्राम बनाया जा सकता है। मॉडिफाइड वेन डायग्राम बनाने के बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो स्टेटमेंट में यानी कि कथन में बातें कही गई थी उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। कथन में कहा गया था सभी कॉल्स मेल हैं, आप देखेंगे अभी भी सभी कॉल्स मेल हैं। कथन में कहा गया था कि कुछ मेल पोस्ट हैं, आप देखेंगे अभी भी कुछ मेल पोस्ट हैं। कथन में कहा गया था कि कुछ पोस्ट पत्र हैं, आप देखेंगे अभी भी कुछ पोस्ट पत्र हैं। मेरे स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस बात की संभावना है कि सभी पोस्ट कॉल्स हो जाए। आप देख सकते हैं सभी पोस्ट कॉल्स हो चुके हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। मैं यहां राइट लगा देता हूं पहले निष्कर्ष के लिए। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई पत्र मेल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर संभावना नहीं पूछी है, इसलिए मैं इस मॉडिफाइड वेन डायग्राम को नहीं देखूंगा, सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम को देखूंगा जिसमें कहा गया है कोई पत्र मेल नहीं है। आप देखिए और बताइए, क्या कोई पत्र मेल नहीं है ये बात हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरा वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हम इस पत्र वाले वेन डायग्राम को मेल के वेन डायग्राम से कट करके भी बना सकते हैं। उस बात की भी संभावना है कि कुछ पत्र मेल हो जाए, इसलिए ये डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि कोई भी पत्र मेल नहीं है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इसके लिए मैं क्रॉस लगा देता हूं। सिर्फ केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। उस केस में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको उत्तर क्या देना है। उत्तर 4 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के निष्कर्ष में कहा गया स्टेटमेंट सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन के निष्कर्ष के लिए। पहला निष्कर्ष है सभी मेल कॉल्स हैं। देखिए और बताइए, क्या सभी मेल कॉल्स हैं? जी बिल्कुल नहीं, कुछ मेल कॉल्स हैं, सभी नहीं है। नेक्स्ट निष्कर्ष में कहा गया है कोई कॉल पत्र नहीं है। कोई कॉल पत्र नहीं है। आप जानते हैं, हो सकता है मॉडिफाइड वेन डायग्राम में जब बनाता हूं तो इस तरीके से बना दिया जाए कि सभी कॉल्स मेल हुए और कुछ मेल पोस्ट हुए और कुछ पोस्ट को हमें पत्र बनाना था, तो मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। और इस मॉडिफाइड वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो कुछ कॉल्स भी क्या हो जाते हैं? पत्र हो जाते हैं। यदि इस वेन डायग्राम में कुछ कॉल्स पत्र हो जाते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई कॉल पत्र नहीं है? नहीं, ये वाला वेन डायग्राम ये दिखाता है कि कोई कॉल पत्र नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी वेन डायग्राम ये दिखाता है कि कुछ कॉल पत्र हो सकते हैं। इसलिए मेरा ये कहना कि कोई कॉल पत्र नहीं है ये निश्चित रूप से सही नहीं होगा, इसलिए दूसरा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। और जब दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, इस केस में आप स्क्रीन पर देखिए मैं आंसर लगाता हूं 3।
उत्तर तीन दीजिए यदि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ गाड़ियां कारें हैं। देखिए मैंने जी फॉर गाड़ी बनाई है और कुछ गाड़ी कारें, सी फॉर कार। कुछ गाड़ियां कारें हैं, कुछ कारें ट्रक हैं, ये देखिए कुछ कारें टी फॉर ट्रक हो जाती हैं, और फिर लिखा है कि सभी ट्रक सेडान हैं, सभी ट्रक सेडान हैं, तो मैंने सभी ट्रक को एस फॉर सेडान के वेन डायग्राम के अंदर बंद किया है। निष्कर्ष पर आते हैं जिसमें कहा गया है कि सभी गाड़ियों के सेडान होने की संभावना है। देखिए संभावना पूछी है तो मुझे फिर से एक मॉडिफाइड वेन डायग्राम बनाना होगा। क्या पूछा है उसने? पूछा है सभी गाड़ियों के सेडान होने की संभावना है। तो आप समझिए यदि मैं इस वेन डायग्राम को इस तरीके से बना दूं, कुछ गाड़ियां कार हैं और कुछ कार ट्रक हैं और सभी ट्रक सेडान हैं, ये भी तो पॉसिबल है। मैं यदि ऐसा वेन डायग्राम बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियां सेडान के अंदर आ जाती हैं। तो ये वेन डायग्राम मुझे ये बताता है कि इस बात की संभावना है कि सभी गाड़ी सेडान हो जाए, इसलिए पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरे निष्कर्ष की तरफ आते हैं जिसमें कहा गया है कम से कम कुछ कारें सेडान हैं। अब आप देखिए यहां पर संभावना नहीं पूछी है इसलिए मैं मॉडिफाइड वेन डायग्राम की तरफ नहीं देख रहा हूं। यहां पूछा है कम से कम कुछ कारें सेडान हैं, तो आप देखकर बता सकते हैं कि कुछ कारों का वेन डायग्राम सेडान के अंदर आ रहा है, जी हाँ, इसलिए दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और जब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो स्क्रीन पर देखिए हम उत्तर एक देते हैं, उत्तर एक दीजिए यदि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जिसमें लिखा है कि कुछ पुल सड़कें हैं, कुछ पुल सड़कें हैं, फिर लिखा है कोई सड़क अंडर पास नहीं है। मैंने सड़क के वेन डायग्राम पर क्रॉस लगाकर एक अंडर पास का वेन डायग्राम दूर बनाया और उसमें क्रॉस लगा दिया। इससे पता चलता है कोई भी सड़क का संबंध अंडर पास से नहीं है। निष्कर्ष की तरफ आते हैं जिसमें लिखा है कुछ पुल अंडर पास हैं। देखिए कुछ पुल अंडर पास है, क्या हमें ऐसा दिखाई देता है इसमें? क्या पुलों का वेन डायग्राम अंडर पास के वेन डायग्राम को टच करता है? नहीं, इसलिए यह निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। दूसरे निष्कर्ष को देखते हैं जिसमें लिखा है कि कोई पुल अंडर पास नहीं है, कोई पुल अंडर पास नहीं है। देखिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों निष्कर्ष को मैं आपके लिए बोर्ड पर लिख दूं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या था, वो था कुछ पुल अंडर पास है, और दूसरे निष्कर्ष में कहा गया है कोई पुल अंडर पास नहीं है। आपने इतना पढ़ा होगा कि जब इस दो निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो जाएं, सेम हो जाएं, तो वहां पर आइदर और का केस बन सकता है। बट इतना ही काफी नहीं है, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए, उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि यहां पर आइदर और का केस बना हुआ है या तो का केस बना हुआ है। जैसे कि सबसे पहला रूल ये कहता है कि दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, यू कैन सी दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। दूसरा रूल कहता है कि दोनों निष्कर्ष को चेक किया जाए इंडिपेंडेंटली, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे रूल को कि क्या दोनों निष्कर्ष इंडिपेंडेंटली गलत हैं या नहीं है। मैंने देखा कुछ पुल अंडर पास है, देखिए कुछ पुल अंडर पास हमें दिखाई देते हैं, दोनों का वेन डायग्राम कहीं टच करता है नहीं, इसलिए यह अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, उसने कहा कोई पुल अंडर पास नहीं है। आप देखिए मैं पॉसिबल वेन डायग्राम बनाऊंगा तो हो सकता है अंडर पास को मैं यहां पर ले आऊं तो कुछ पुल अंडर पास हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई पुल अंडर पास नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करता है। दूसरा रूल फॉलो कर गया, दोनों इंडिपेंडेंटली गलत होने चाहिए। तीसरा रूल यह कहता है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखिए ये फर्स्ट वाला निष्कर्ष पॉजिटिव है और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए, यू कैन सी ये वाला निष्कर्ष निगेटिव है, इसमें नहीं शब्द आया है। और आखिरी रूल ये कहता है कि इसमें एक
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कुछ प्लस कोई नहीं इसमें आया है। देखिए, कुछ प्लस कोई नहीं इसमें आया है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाता है तो वह निष्कर्ष, वो दोनों निष्कर्ष आइदर और बनाते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, आइदर फर्स्ट इज राइट और सेकंड इज राइट। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आइदर और का केस जो है वो उत्तर दो है। उत्तर दो दीजिए यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा है, कथन है कि कोई इकाई भाग नहीं है। देखिए, मैं यहां पर आई से इकाई को दिखा रहा हूं, क्रॉस लगाकर बी फॉर भाग दिखा रहा हूं, कोई भी इकाई भाग नहीं है। फिर लिखा है सभी भाग आइटम हैं। देखिए, यहां मैं सभी भाग को आइटम वाले वेन डायग्राम के अंदर बंद कर देता हूं, सभी भाग आइटम हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए आई भी हटाकर यहां पर हम इकाई लिख देते हैं और बी फॉर भाग को हटाकर भाग ही लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। सभी भाग आइटम हैं और कुछ आइटम तत्व हैं। तो देखिए, ये कुछ आइटम हमने तत्व बना दिए, कुछ आइटम तत्व हुए। निष्कर्ष पर आते हैं, पहले निष्कर्ष में कहा गया है कोई इकाई तत्व नहीं है। आप देखिए, उसने कहा था कि कोई इकाई भाग नहीं है स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट में इकाई और भाग के रिलेशन के लिए मना किया था, ना कि इकाई और तत्व के रिलेशन के लिए। या दूसरे शब्दों में समझा जाए तो एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनाकर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सभी भाग को आइटम के अंदर बंद कर दूं और कुछ आइटम तत्व हो जाए। और जैसा कि ये आपका निष्कर्ष कहता है जिसमें कहा गया है कि कोई इकाई तत्व नहीं है, मैंने क्या किया, इकाई का जो वेन डायग्राम था वो तत्व से टच करते हुए बना दिया। क्या इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि कोई इकाई तत्व नहीं है? नहीं कह सकता। तो पॉसिबल वेन डायग्राम इस सेकंड कंक्लूजन को फॉलो नहीं करने दे रहा है, फर्स्ट करने दे रहा है। जब दोनों में से किसी एक में फॉलो नहीं करता है तो आप समझ सकते हैं कि वह निष्कर्ष अनुसरण करता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है और मैं यहां क्रॉस लगा देता हूं। क्लियर। सेकंड निष्कर्ष की तरफ आते हैं जिसमें कहा है कम से कम कुछ इकाइयां आइटम है। आप देखिए और मुझे बताइए, क्या इकाई का वेन डायग्राम आइटम के वेन डायग्राम से टच होता है बेसिक वेन डायग्राम में? नहीं। इसका मतलब यह निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करता है।